Good morning, student. This is our class 5, Subject Science, Chapter 5, Natural Calamities and Our Responsibility. This is our lecture number 1. Student, in this lecture, we will be studying about natural calamities, different types of natural calamities like earthquake, drought, flood, volcano, cyclone, tsunami, and what is epidemics. स्टूडेंट लेटअ स्टार्ट विथ नेचुर कैलेमिटीज स्टूडेंट वॉट आर नेचुरल कैलेमिटीज इवेंट्स दैट टेक प्लेस नैचुरली एंड कॉज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी इट इज़ कोल्ड एज नैचुरल कैलेमिटीज नेचुरल कैलोमिटीज़ क्या होती हैं ये वे इवे इवेंट्स होती है जो नेचुरली अगर करती है और ह्यूमन लाइफ पे ग्रेट इम्पैक्ट डालती है ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज करती है ठीक है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक ड्रॉथ प्लर्स साइक्लोन्स ओके वी विल स्टडी वन बाय वन दिस टॉपिक्स लेट एस स्टार्ट विथ अर्थक्वेक स्टूडेंट वट इज अर्थक्वेक अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू कॉलिजन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द रॉक्स अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ स्टूडेंट वॉट इज अर्थक्वेक इट इज द सडन शेकिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ मीन्स जो हमारी अर्थ की सर्फेस है उसमें अचानक क्या आ जाती हैं शेक्स होने लग जाते हैं ठीक है वे क्या है शेक होने लगेंगी वे हिलने लगेगी ठीक है why दिस shakes are caused? these are caused because collision of the plates takes place under the surface of the earth जो हमारी earth होती है वो different different layers से बनी रहती है या usne बोल सकते हैं वो different different प्लेट्स से बनी रहती हैं जब ये प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती है ठीक है देन जब कोलाइड करती हैं जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है तो उसमें क्या है शेक्स पैदा हो जाते हैं ठीक है शेक्स पैदा होने के कारण क्या है जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं वे क्या है हिलने लग जाएंगी ठीक है देन बिल्डिंग uh, क्या है गिर जाती है यू कैन लिक यू कैन लुक एट दिस पिक्चर हाउ मच डिस्ट्रक्शन एंड अर्थक्वेक कैन कॉज दिस बिल्डिंग हैज फॉलन डाउन बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक स्टूडेंट जापान इज वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज जापान क्या है यह मोस्ट ऑफ द यह वे एरिया है जहाँ पे क्या है ज़्यादातर अर्थक्वेक आते रहते हैं ठीक है एन अर्थक्वेक विथ मैग्नीट्यूड ऑफ सेवन पॉइंट थ्री हिट जापान इन टू थाउजेंड थर्टीन सेवन पॉइंट थ्री मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जापान में टू थाउजेंड थर्टीन में जिसने क्या किया था उसने ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज की थी ठीक है ह्यूमन लाइफ पे ग्रेट इम्पैक्ट किया इम्पैक्ट uh, पड़ा था इट डिस्ट्रॉयड पावर एंड वाटर सप्लाई एंड रोड्स रेलवेज कम्युनिकेशन वेयर डिस्टर्ब्स पीपल आर इंजर्ड एंड रेंडेड होमलेस बहुत से जो लोग हैं वे क्या हो गए थे होमलेस हो गए थे ठीक है और बहुत से लोग क्या है इंजरी हो गई थी उनको क्या हो गई थी इंजरी हो गई थी स्टूडेंट वट इज सेटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक सेस्मोमीटर क्या होता है यह वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पता लगाता है कि अर्थक्वेक कितना uh, कितना हैवियर है अर्थ इट डिटरमाइन वेदर द अर्थक्वेक इज माइनर और मेजर स्टूडेंट अवर नेक्स्ट नेचुरल कैलेमिटी इज ड्रॉथ स्टूडेंट वॉट इज ड्रॉथ जिसे बोलते हैं सूखा पड़ना क्या होता है ड्रॉथ uh, क्या होता है इट इज डिफाइंड एज दिवियर स्कारिटी ऑफ द वॉटर लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन द सॉइल एंड मेकिंग लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन बच्चों क्या होता है ड्रॉथ ड्रॉथ वो एक पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या है वाटर की ह्यूज शॉर्टेज आ जाती है पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है जिसकी वजह से क्या है लैंड सूखे पड़ने लग जाते हैं और उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं जिसकी वजह से जो लैंड है वो कल्टिवेशन करने योग्य नहीं रहती मतलब उपजाई नहीं रहती ठीक है ड्रॉथ इज़ कॉज्ड बाय सीवियस कार्सिटी ऑफ द वॉटर हीस डेवलप इन द सॉयल इट बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ़ द क्रॉप्स ठीक है इन मैनी पार्ट्स ऑफ अर इंडिया द फार्मर्स डिपेंड ऑन द मानसून टू ग्रो देअर क्रॉप्स इफ द मानसून डज नॉट कम द क्रॉप्स विदर पीपल डू नॉट हैव फूड टू ईट ठीक है बच्चों जब हमारे जो इंडिया है उसमें खेतों में पानी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सोर्स रेन होता है जब रेन होता है मानसून होता है जब वर्षा नहीं आती तो क्या होते हैं खेत सूखने लग जाते हैं खेत सूखने लग जाएंगे तो उसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे क्रैक्स आने की वजह से जो हमारी जो लैंड है वो कल्टीवेशन योग्य नहीं रहती है क्रॉप्स क्या है सूखने लग जाते हैं ठीक है स्टूडेंट दिस इज अ पिक्चर विच इज शोइंग हाउ हाउ लैंड बिकम्स ड्राइड एंड हाउ क्रैक्स डेवलप ड्यूरिंग ड्रॉथ बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल ठीक है स्टूडेंट द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड बिहार आर अफेक्टेड बाई ड्रॉथ वेरी ऑफन राजस्थान और बिहार स्टेट्स हैं जो हमारे इंडिया का वहाँ पर अक्सर ड्रॉथ पड़ता रहता है वहाँ अक्सर क्या है सूखा पड़ता रहता है स्टूडेंट अवर नेक्स्ट नेचुरल कैलेमिटी इज फ्लड जिसे हिंदी में बोलते हैं बाढ़ आना क्या होता है बाढ़ आना फ्लड्स अकर्स वेन द लेवल ऑफ द वाटर इन द रिवर इंक्रीजेस ड्यू टू हैवी रेनफॉल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड लैंड स्लाइड्स बच्चों जो है जब हैवी वर्षा होती है बहुत ज़्यादा वर्षा होने लग जाती है ठीक है या फिर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करने लग जाते हैं तो क्या है हमारे रिवर्स का और सीज का पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ठीक है तो फिर उसके आसपास वाली जो एरिया होते हैं वो क्या है डूबने लग जाते हैं तो इस विपदा को इस कैलेमिटी को हम क्या बोलेंगे फ्लड्स स्टूडेंट वेन फ्लड्स टेक्स प्लेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल लूज देयर होम्स प्रॉपर्टी कैटल एंड क्रॉप्स जब फ्लड आता है तब क्या होते हैं आसपास के सारे क्या है इलाके डूब जाते हैं लोग क्या हो जाते हैं होमलेस हो जाते हैं ठीक है जो कैटल्स uh, होती हैं क्रॉप्स होती हैं वो क्या है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और क्या है लार्ज एरिया आर सबमर्ज अंडर वाटर जो पानी इ, पानी की वजह से क्या है बहुत सी जगह डूब जाती हैं स्टूडेंट सी यू कैन सी दिस इज़ ऑल वाटर

विंड स्ट्रॉ होते हैं ये क्या कर ये क्या होते हैं जिसे हिंदी में बवंडर बोलते हैं ठीक है ये ये क्या होते हैं ये ऐसी हवाएं होती हैं या ऐसी हवाएं होती हैं जो क्या करती हैं ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं ऐसी विंड्स होती हैं जो फास्टली मूव करती हैं ठीक है और इतनी फास्टली मूव करेंगी कि ये क्या है डैमेज कॉज कर देंगी ठीक है अ साइक्लोन एट द सी ब्रिंग्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द कोस्टल एरियाज जो साइक्लोन्स हैं वो मोस्टली कहाँ आते हैं वो कोस्टल एरियाज़ में आते हैं जो हमारी सीज होती हैं उसके ऊपर साइक्लोन्स बनते हैं और जब ये साइक्लोन्स सर्कुलरली मूव करते हुए लैंड पर आते हैं तो हाई स्पीड से आते हैं तो उससे क्या है जो भी आसपास की या सामने जो भी चीज़ें आती हैं उनको वो क्या 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 कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है इतना डिस्ट्रक्शन कॉज uh, होता है कि बहुत से लोग क्या है होमलेस बन जाते हैं स्टूडेंट इन साइक्लोन्स को दिस साइक्लोन्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक इन जापान वी कॉल इट टाइफोन एंड इन यूएस इन US, US in America it is known by hurricane. Hurricane. Students see this is the structure showing cyclone originated, uh, originating in a sea. ये स्ट्रक्चर है जो शो कर रहा है कि, कि साइक्लोन है वो कहाँ पर क्रिएट होते हैं ये सीज में क्रिएट होते हैं और सर्कुलरली मूव करते करते क्या है लैंड्स पे पहुँच जाते हैं एंड इट ब्रिंग्स लॉर्ड्स ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ दी हाई स्पीड विंड अपने साथ साथ क्या है लॉर्ड्स ऑफ वाटर लाते हैं बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है इनके साथ जो आसपास की जो एरिया है वो डूब जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है स्टूडेंट आवर नेक्स्ट नेचुरल कैलेमिटी इज वॉल्केकैनो वॉल्केकैनो क्या है इट इज़ अल विच समटाइम्स इरब्स एंड एंड रेड हॉट मोल्टन लार्वा कम्स आउट फ्रॉम दी वेंट ये क्या होते हैं वॉलैनो वॉलैनो को हिंदी में क्या बोलेंगे ज्वालामुखी बोलते हैं ये क्या होते हैं ये हिल्स होते हैं ठीक है बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं जो क्या है इरप्ट होते रहते हैं इरप्ट मतलब फटते रहते हैं ठीक है और वन इट इरप्स इट ब्रिंग्स लॉर्ड्स ऑफ हॉट मोल्टन हॉट मोल्टन लावा आउटसाइड ठीक है जब ये फटती हैं ज्वालामुखी फटती हैं तब क्या है उसमें से हॉट मोल्टन लारवा निकलती हैं हॉट मोल्टन लारवा जिसको हम क्या बोलेंगे मैग्मा बोलते हैं वो निकलते हैं ये क्या होते हैं ये गर्म पत्थर होते हैं पिंगले हुए पत्थर होते हैं जो क्या है हिल से बाहर निकलते हैं ठीक है उसके साथ साथ बहुत जहरीली गैसें भी निकलेंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मैगमा फ्लोज फ्लोस ओवर द स्लोब्स एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स पाथ सच एज फॉरेस्ट बिल्डिंग ह्यूमन बींग्स एंड कैटल जैसे जैसे लार्वा बाहर आता रहता है तो इसके बीच में जो भी चीज़ें आती हैं उसको वो क्या है डिस्ट्रॉय कर देता है उसको ख़त्म कर देता है स्टूडेंट सी दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग वॉलकैनिक इरप्शन इट इज एन वॉलकैनो इट इज लाइक अ हिल थ्रू विच मोल्टन लार्वा इज कमिंग आउट and the opening through which this larva comes out is known as vent it is called as vent what is vent it is the opening of the hill this opening is known as vent and this red colored structure this is the molten rock which is also known as magma what is magma magma

फ़ास्टली मूव करती हैं ठीक है ये क्या है फास्टली मूव करती हैं और ये किस लिए बनती हैं इतनी लंबी लंबी ऊंची लहरें किस लिए बनती है जब जो सी लेवल होता है उसमें क्या है अर्थक्वेक आ जाता है ठीक है या वॉल्कैनिक इरप्शन होते हैं तब सुनामी क्या है क्रिएट होती है ठीक है सुनामी कब क्रिएट होती है जब सी में वॉल्कैनिक इरप्शन होने लग जाता है या अर्थक्वेक आने लग जाता है जिसकी वजह से क्या है सुनामी बनती है ठीक है ये बड़ी बड़ी लहरें होती है और इनकी हाइट बहुत बार थर्टी मीटर्स तक पहुंच जाती है डीज वेव्स कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ थर्टी मीटर्स एंड हिट द कोस्टल एरियाज विथ ह्यूज स्पीड विथ ग्रेट स्पीड इन सच अ स्पीड दैट इट कैन डैमेज एवरी थिंग स्टूडेंट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एपिडेमिक वॉट इज एपिडेमिक एपिडेमिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे महामारी क्या बोलेंगे महामारी ये महामारी होती क्या है सम डिजीजेस स्प्रेड वेरी क्विकली एंड अफेक्ट हंड्रेड ऑफ पीपल एट द सेम टाइम दैट इज नोन एज एपिडेमिक्स एपिडेमिक्स क्या होती हैं ये वो डिज़ीज़ होती हैं जो क्या है फ़ास्टली अफेक्ट करती है लोगों को ठीक है बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करती है एक टाइम पे उसे क्या बोलेंगे अपिडेमिक्स बोलेंगे ठीक है और कौन कौन सी एपिडेमिक डिजीज़ होती है जैसे कि टाइफाइड जैसे कि जैसे कि टी कॉमन कोल्ड ये क्या है ये बहुत ज़्यादा लोगों को एक टाइम पे इफ़ेक्ट करती है और आज के टाइम में क्या है कोरोना कोरोना भी क्या है एक पर्सन को होता है तो अपने साथ कितने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है ठीक है तो कोरोना इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ एपिडेमिक डिसीज़ विच इज स्प्रेडिंग वेरी फास्टली नाउ अडेज ओके स्टूडेंट सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस आर ट्यूबेलॉसिस मलेरिया कोलरा डेंगी एक्सेट्रा ठीक है ये क्या एपिडेमिक्स आर दोज डिजीजेस विच स्प्रेड वेरी क्विकली एंड इन्फेक्ट थाउजेंड ऑफ़ पीपल एट द सेम टाइम एक टाइम पे क्या है हज़ारों लोगों को क्या करते हैं इन्फेक्ट करता है वो ठीक है उनको क्या बोलेंगे एपिडेमिक्स बोलेंगे इन एपिडेमिक डिजीजेस के लिए कुछ वैक्सीनेशन अवेलेबल है ठीक है जैसे कि देखो टी है टी के लिए बी वैक्सीन अवेलेबल है ठीक है जैसे पोलियो है पोलियो के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है ठीक सो स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज ओके सो योर होमवर्क इज यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट वन इज डिफाइन नेचुरल कैलेमिटीज नेचुरल कैलेमिटीज़ को क्या है डिफाइन है कि नेचुरल कैलेमिटीज होती क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक अर्थक्वेक के कॉज क्या होते हैं किस वजह से अर्थक्वेक आता है क्वेश्चन नंबर थ्री इज वॉट इज से क्या होता है क्वेश्चन नंबर फोर इज विच स्टेट्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाई ड्रॉट ड्रॉद से कौन से स्टेट्स अफेक्टेड हैं इंडिया में इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं जो ड्रॉद अफेक्टेड है सो स्टूडेंट्स आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड प्लीज सेंड दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू माई ई मेल आई डी ओके थैंक यू सो मच